हेलो एवरीबॉडी, आज की स्पीड टू में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सीएसआईआर नेट दिसंबर 2019 से क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन आया है वो प्रेशर और डेंसिटी के बीच में रिलेशन दे रखा है और इसके अंदर रो के वी टी सी अपॉन पी सी की वैल्यू को एवोल्यूट करा रहा है। तो कंपटीशंस की दुनिया में जो क्वेश्चंस है उसका जो पैटर्न है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसका मैंने सोल्यूशन दिया है और सीएसआईआर की में कोई इसमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका जो सीएसआईआर की में आंसर है 3, वही इसका आंसर होगा। तो सोल्यूशन दे रखा है मैंने, यहाँ पे सॉल्व किया है क्वेश्चन। पी की वैल्यू को लिखें के वी टी रो माइनस बी टू रो स्क्वायर प्लस बी थ्री रो क्यूब, जहाँ पर बी टू बी थ्री पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। जब पी पी सी के इक्वल होगा, टी टी सी के इक्वल होगा, वी वी सी के इक्वल होगा, तो वो हमारा जो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। और प्रेशर क्योंकि यहाँ पर रो के हिसाब से चेंज हो रहा है डेंसिटी के हिसाब से, तो वेरिएशन ले लें डी पी अपॉन डी रो, डेंसिटी की जो वैल्यू है और प्रेशर जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे जब इसके परिवर्तित होगी। तो डी पी अपॉन डी रो को जीरो कर दें और जब ऐसा होगा तो रो की वैल्यू रो सी हो जाएगी, पी पी सी हो जाएगा और टी टी सी होगा। तो डी पी अपॉन डी रो कर दें, इसका डिफ्रेंसिएशन करें, वो आ जाएगा के पी टी माइनस टू बी टू रो प्लस थ्री बी थ्री आर रो स्क्वायर, और वहाँ पे टी को टी सी ले लें और रो को रो सी ले लें। तो ये वैल्यू जो आएगी यहाँ से ये आ जाएगा डी पी अपॉन डी रो, रो इजकल टू रो सी के ऊपर हमें ये करना है, टी बराबर टी सी पे करना है, क्योंकि प्रेशर इंडिपेंडेंट हो जाता है डेंसिटी के जब स्टेट परिवर्तित होती है। तो यहाँ से के बी टी सी माइनस टू बी टू रो सी प्लस थ्री बी थ्री रो सी स्क्वायर जीरो होगा, क्योंकि प्रेशर इंडिपेंडेंट होगा डेंसिटी के, तो तब हम इसको डी पी अपॉन डी रो को जीरो कर देंगे। तो यहाँ से वैल्यू एक इक्वेशन हमें यहाँ से एवोल्यूट हो जाएगी। और सेकंड जो है सेकंड डेरिवेटिव डी टू पी अपॉन डी रो स्क्वायर, वो भी जीरो लेंगे जब रो बराबर रो सी होगा, टी टी सी के इक्वल होगा, पी पी सी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन दो बार कर दें, ये जो डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे रो के रेस्पेक्ट, तो ये जीरो होगा, इसका डबल डिफ्रेंसिएशन आएगा माइनस टू बी टू और इसका डबल डिफ्रेंसिएशन आएगा सिक्स बी थ्री रो इजकल टू जीरो, और रो को रो सी से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से इस पूरे एक्सप्रेशन से हमें बी टू की वैल्यू मिलेगी थ्री बी थ्री रो सी, तो ये बी टू और बी थ्री में रिलेशन आ जाएगा, बी टू इजकल टू थ्री बी थ्री रो सी। उसके बाद क्या करें कि जो हमारा एक्सप्रेशन था प्रेशर और रो और टी के बीच में, उस रिलेशन पे जाएं यहाँ से, तो पी सी की वैल्यू को ले लें के बी बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, टी को टी सी से रिप्लेस कर दें, रो को रो सी से, माइनस बी टू की जगह पर ये पुट कर दें थ्री बी थ्री रो सी, तो ये थ्री माइनस थ्री बी थ्री रो सी और रो सी स्क्वायर ये हो जाएगा, क्योंकि पी को पी सी कर रहे हैं, प्लस बी थ्री और रो को रो सी करते हैं, तो प्लस रो थ्री रो सी क्यूब। इसको सॉल्व कर लें, यहाँ से जो टर्म्स है ये आएगी माइनस थ्री बी थ्री रो सी क्यूब और प्लस बी थ्री रो सी क्यूब, तो यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा माइनस टू बी थ्री रो सी क्यूब और यहाँ से वैल्यू आएगी के बी टी सी रो सी। तो ये प्रेशर आ जाएगा क्रिटिकल प्रेशर के बी टी सी रो सी माइनस टू बी थ्री रो सी क्यूब, जहाँ रो सी जो है वो क्रिटिकल डेंसिटी, टी सी जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर और के बी बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट होगा। उसके बाद जो बी थ्री की वैल्यू है उसे यहाँ से एवोल्यूट कर लें, इस एक्सप्रेशन को यूज करें दिस वन। तो यहाँ से वैल्यू है के बी टी सी की वैल्यू को हम ले पाएंगे यहाँ से टू बी टू रो सी माइनस थ्री बी थ्री रो सी स्क्वायर, जो मैंने यहाँ लिया है, तो टू और बी टू की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें थ्री बी थ्री रो सी, तो टू इंटू थ्री बी थ्री रो सी स्क्वायर माइनस थ्री बी थ्री रो सी स्क्वायर, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो सिक्स बी थ्री रो सी स्क्वायर और यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस थ्री बी थ्री रो सी स्क्वायर। तो यहाँ से बी थ्री की वैल्यू निकाल लें, ये आएगी के बी टी सी अपॉन थ्री रो सी स्क्वायर। इस बी थ्री की जो वैल्यू हमने वैल्यूट की है, इस वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें, तो यहाँ से आ जाएगा पी सी इक्वल टू के बी टी सी रो सी माइनस टू और बी थ्री रो सी क्यू, ये तो यही एक्सप्रेशन है। इस बी थ्री की जो वैल्यू है ये यहाँ पर पुट कर दें, तो ये वैल्यू आएगी पी सी इक्वल टू के बी टी सी रो सी माइनस टू के बी टी सी अपॉन थ्री रो सी स्क्वायर रो सी क्यू। तो यहाँ से दो पावर हैं, यहाँ तीन पावर है, तो एक पावर केवल रिमेन रहेगी, और यहाँ से जब इसको सबट्रैक्ट कर लेंगे तो ये वैल्यू यहाँ से आएगी के बी टी सी रो सी माइनस टू बाई थ्री के बी टी सी रो सी, और इसको सॉल्व कर कह पाएंगे वन बाई थ्री के बी टी सी रो सी। तो के बी टी सी रो सी अपॉन पी सी की वैल्यू पूछी थी, तो ये वैल्यू हमारी थ्री होगी, तो थ्री इसका आंसर है। सी एस आई आर ने भी थ्री आंसर दे रखा है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि इसका आंसर एट बाई थ्री होगा, तो मैंने पूरा सॉल्व किया है, देख लें। अगर कोई सॉल्यूशन के अंदर कोई आपको लगता है कि कोई करेक्शंस की रिक्वायरमेंट है तो मार्क करें, वैसे ही बिल्कुल सही सॉल्यूशन है मेरे हिसाब से। और बाकी भी सॉल्यूशंस में जो भी
स्टूडेंट्स को लगता है कि किसी आंसर में कोई किसी तरीका की डिस्क्रिपेंसी है तो मार्क करें शालीनता के साथ में, तो मैं आगे कहीं करेक्शन उसमें दूंगा। अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज से मैं सभी ये सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, बाकी जो सब एवरीवन हैव इट्स ओन लिमिटेशंस, बाकी जहाँ पे भी आपको लगता है कि कहीं पे कोई कंट्रोवर्सी है तो उसे मार्क करें। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।